इसका थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में देखिए दिया है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू पिछले क्वेश्चन की तरह ही है 2/3 एंड ए सी इक्वल टू में दिया है 18 सेंटीमीटर। तो मैं फाइंड करने के लिए कह रहा है ए, चलिए देखते हैं इसके बाद। तो हमारे पास दिया हुआ है कि डी ई और बी सी पैरेलल है, लिख सकते हैं बाई बी पी टी ए डी बाई डी बी इक्वल टू में ए बाई में ई सी, ठीक है हमें ए निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, ए डी बाई डी बी का वैल्यू रख देते हैं सीधे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2/3 ए ई, हम लोग ई सी के प्लेस पर ए सी माइनस का ए ई कर देते हैं, देख लो ई सी हटाने देंगे तो ए सी में से ए ई हटा देंगे तो ई सी आ जाएगा, है ना जी 2/3 ए ई बाई में ए सी का वैल्यू है 18 माइनस का ए ई, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 ए ई इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे इधर एक मल्टीप्लाई करेगा 36 माइनस का 2 ए ई, या कि इधर ऐड कर देगा तो 5 ए ई इक्वल टू में 36, ये जाएगा डिवाइड में तो आ जाएगा यहाँ पे 36/5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर डेसिमल में आएगा, समझ गए।